अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवाद हफीज़ है और मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता भी हूँ और इन्वेस्टमेंट करनी सिखाता भी हूँ लोगों को। और हमारा एक ऑफिस भी है जिसे हम लोगों को बाइंग सेलिंग और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो गाइड करते हैं। आज मेरा टॉपिक है सट्टा। सट्टा जो है ये दो किस्म का होता है। एक इसकी किस्म ये है कि एक ऐसा शेयर जिसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, मसलन कोई कंपनी जो कंटिन्यूसली फॉर इयर्स एंड इयर्स लॉस कर रही है, अचानक उसका शेयर आठ आने एक रुपए से बढ़ के तेज़ी से उसमें वॉल्यूम्स लगने शुरू हो जाते हैं और उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है और मार्केट में शोर मच जाता है कि किसी चाइनीज़ जापानीज़ जर्मन कंपनी ने इससे एग्रीमेंट कर लिया है और ये इनकी नई मशीनरी आ रही है और इनका नया प्लांट आ रहा है या इनकी नई मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो तेज़ी से उसके अंदर वॉल्यूम्स लगने हैं और उसके अंदर अपर लॉट लगने शुरू हो जाते हैं और मार्केट में बस खबर होती है कि अगर ये शेयर मैंने ना ख़रीदा तो बस मैं ही रह जाऊँगा अरबपति बनने से, बाकी सब के सब बन जाएंगे मेरे अलावा, और वो शेयर जो है उसको ख़रीद लिया जाता है। और बढ़ते 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 अचानक वो एक रुपये से आठ नौ दस बारह पंद्रह सोलह अठारह बाद दफ़ा बीस रुपये तक चला जाता है और उसके बाद अचानक वो तमाम खबरें बंद हो जाती हैं और बाद में आपको खबर मिलती है कुछ अर्से बाद कि उसका रोज़ लोन लॉक लगते हैं लोग इस उम्मीद पे कि वो अरबपति बनना था, उन्होंने उस शेयर को होल्ड करके बैठे रहते हैं और लोन लॉक लगते 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 अचानक एक दिन पता चलता है कि वो कंपनी जो है वो बंद हो गई है और डीलिस्ट हो गई है। तो होता ये है, गेम इसमें ये होती है कि जो या तो मालिकान या कुछ लोग जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने शेयर्स की पोजीशन ली होती हैं कि ये शेयर कहाँ कहाँ कितना बढ़ा हुआ है, वो उन लोगों के साथ या तो टाई अप करते हैं या लॉट में उनसे शेयर ख़रीद लेते हैं एक रुपए पे जब वो शेयर होता है कि यार इसका आपकी ये डूबी हुई रकम जो है इसके हम आपको 15 गुना 20 गुना पैसे जो है वो हम दिलवा देंगे, आपने ये शेयर बेचना नहीं है, या तो हमें बेच दें, आप एक रुपये का शेयर हमें दो रुपये का बेच दें सारे का सारा, हम जाने हमारा काम नहीं, या उनमें से कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं मैं भी गेम का हिस्सा बनूंगा और मैं इसे होल्ड करके बैठूंगा जितना मर्जी बढ़े। उसके बाद जब ये वो देख लेते हैं कि 80-90% शेयर उनके हाथ में है, फिर वो क्या करते हैं कि खुद ही आपस में बाइंग सेलिंग शुरू करते हैं। एक बंदा उसके अपर लॉक पर रोज़ बाइंग लगा देता है, दूसरा उसको बेचना शुरू कर देता है, सलीमुल्ला टू गलीमुल्ला एंड देन अगेन गलीमुल्ला टू सलीमुल्ला। और मार्केट में उन्होंने पेड बंदे रखे हुए हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर पुराने वक्तों में लोगों को टेलीफोन करके कहते थे जी घर बेच कर ये शेयर ले लें आप भूल जाएंगे, ये इतना कमाएंगे इसके अंदर कि बस ज़िंदगी में नहीं कमाया होगा। वो कलीमुल्ला टू सलीमुल्ला और सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला करते हुए दो रुपए का जो शेयर है उसको ले जाते हैं 20 रुपए पे, 18 रुपए पे, 19 रुपए पे, कुछ सूरतों में 6 रुपए पे भी, 5 रुपए भी, जहाँ वो समझें कि अब इसमें मज़ीद गुंजाइश नहीं बन रही आगे बढ़ने की, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा चुका है या मार्केट कंडीशन इस तरह की हो गई हैं कि अब मज़ीद इसको बढ़ाना मुश्किल है, उस पर जाकर वो शेयर को आराम आराम से लोगों को थमाना शुरू करते हैं और अपनी रोज़ की जो पोजीशन है वो क्लीमुल्ला और सलीमुल्ला को जारी रखते हैं। यानी ये कि दो आदमी हैं वो बाइंग सेलिंग भी कर रहे हैं लेकिन ओवरऑल अपनी पोजीशन को ग्रेजुअली घटाते घटाते निल कर देते हैं। लोग दो रुपये का भी वर्थ जिस शेयर की नहीं है उसे 20 रुपये में ख़रीद लेते हैं, उसके बाद वो अल्लाह तवक्कल हो जाता है, अल्लाह के सपोर्ट हो जाता है वो शेयर। उसके बाद कुछ अर्से बाद ज़ाहिर है वाटर कीप्स इट्स लेवल बट विद इट्स ओन पेस ऑफ टाइम वो गिरता जाता है, गिरते 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 वो शेयर एंड पे बाज़ दफ़ा वो कंपनियाँ डीलिस्ट हो जाती हैं और लोग जो हैं वो मार्केट को गाली गलोच करके अपना गम जो है उसको पूरा कर लेते हैं। तो देखें, पहली बात तो मैं सट्टे के वैसे ही खिलाफ हूँ कि आप जब आपको पता है कि फंडामेंटली एक कंपनी सही नहीं है तो क्यों उसका शेयर आप नहीं लेना, आप सही कंपनियों को छोड़कर वो मत लें। चलें मान लिया कि जी जुआ खेले बगैर रहा नहीं जा सकता तो फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर ज़रूर लगाएं। मैं तो पर्सनली नहीं सट्टे में काम करता लेकिन जो लोग सट्टे में काम करने के शौकीन हैं मेरे जानने वाले हैं उनको मैं एक मशवरा ज़रूर देता हूँ कि स्टॉप लॉस ऑर्डर फिर लगाएं ताकि उस चीज़ को वो अपने नुकसान को पहले ही उसकी कैलकुलेट कर लेंगे, यार अगर ठीक है 2-3% नीचे आया अगर तो ऊपर लॉक लग गया क्या कहने ऊपर बेच दूंगा, नहीं तो जहाँ 2-3% में मेरा लॉस कट होता है वो कट के मैं इसमें से निकल जाऊँगा। तो पहली मेरी मशवरा आप लोगों को ये है कि आप सट्टा करें ही ना। दूसरा मशवरा ये है कि अगर आप करे बगैर नहीं रह सकते तो फिर उसे स्टॉप लॉस ऑर्डर, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑर्डर के साथ उसे करें टेक्निकल्स के ऊपर,
और फॉरेन पोजीशन को क्विट कर दें क्योंकि सट्टे वाला जो शेयर है वो सिफर भी हो सकता है तो और कंपनी डीलिस्ट भी हो सकती है। ये मेरा आज का टॉपिक था, इसका पार्ट वन मैंने सट्टे का एक डिस्कस कर दिया। एक और सट्टे की किस्म होती है वो मैं अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा। जब भी आप किसी शेयर के बारे में चाइना जापान से एग्रीमेंट होना या इस तरह की अचानक बातें सुने कि एक लॉस में कंटिन्यूसली एक कंपनी जो है वो चढ़नी शुरू हो गई है तो आप केयरफुल हो जाएं और समझ जाएं कि इसके अंदर कोई ना कोई इन फ्यूचर जो है काम होने वाला है। तो आपको एजुकेट करने के लिए सिर्फ मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि ये पहलू बड़ा अहम है, इस पर आप लोगों को एजुकेट कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। आप मुझे ढूंढना चाहें, आप फेसबुक पर भी जवाद हफीज़ के नाम से, गूगल पर भी आप जवाद हफीज़ के नाम से सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब के नाम पर भी कर सकते हैं। 786JH मेरा फेसबुक पेज है, आप उसे लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पे हमने अब चैनल भी बनाया है, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स हैं वो भी फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर जो है उनकी डिटेल्स भी है। तो आप जैसे चाहें हमें अप्रोच करें और अगर आप हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहें तो मोर देन वेलकम, हमारे दफ्तर तशरीफ लाएँ और फिर बाकी डिटेल्स आपको वहाँ से। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी और कोशिश करेंगे कि आपको और कुछ टॉपिक्स पर भी एजुकेट किया जा सके। खुदा हाफिज़।